फ्रेंड्स, कुछ केक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हर कोई खाना पसंद करता है। बच्चा हो, बड़ा हो, हर किसी के मन को भाते हैं। वो कहते हैं ना, जी ललचाए और रहा ना जाए। ऐसे ही फ्रेंड्स आते हैं ड्राई टी टाइम केक्स। बट अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास फ्लेवर, एसेंस, कलर या कुछ और चीजें ना होने की वजह से वो इसे नहीं बना पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी जानकारी शेयर करूंगी। तो हाय एवरीवन, मैं हूं रूबी। आप सभी का स्वागत है तारा मधु की रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना मैदा, बिना ऑयल, बिना ओटीजी के बहुत ही सिंपल तरीके से एक टी टाइम केक, जिसकी शेल्फ लाइफ भी काफी अच्छी होगी क्योंकि हम इसमें दूध, दही ऐसा कुछ भी यूज नहीं करने वाले। तो शेल्फ लाइफ बढ़ेगी कैसी, वो भी आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, इस केक को बनाने के लिए ना मैं बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स भी आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास ये ना हो तो आप ये यूज कर सकते हैं, ताकि हर कोई अपनी किचन से इसे बना करके अपना होम बेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सके। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जो क्रीम वाले केक्स होते हैं उनसे ये कम नहीं होते, इनमें भी काफी सारा प्रॉफिट होता है। पूरे मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको 1 पाउंड का ये ड्राई टी टाइम केक बनाना हो तो कैसे मेजरमेंट लेना है, 250 ग्राम का बनाना हो तो कैसे लेना है, पैकिंग, प्राइसिंग सब कुछ आज की क्लास में शेयर करूंगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज सारी प्रिपरेशन मैंने की हुई है, आज आपके साथ में इस क्लास में ड्राई फ्रूट केक बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए आपको मैदा चाहिए होगा, जो कि हमें चाहिए। आप आटा भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। मिल्क पाउडर चाहिए होगा, जिससे कि हम उस केक को टेस्टी बनाएंगे। दूध, दही कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर ना बटर को मेल्ट करके रखा हुआ है, बट आप इसके जगह पर घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, जैसे कि काजू, बादाम, काली वाली किशमिश और कुछ खरबूजे के बीज। और इसी के साथ हमें जो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह, और चीनी को मैंने यहाँ पीस करके रखा हुआ है अपने मिक्सर में, और सिंपल सा मैंने पानी लिया है। तो इन सारी चीजों को यूज करके ना आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट केक। और इसमें ना फ्लेवर भी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, कलर भी नहीं डालेंगे, और केक देखिएगा कितना टेम्पटिंग बनेगा। तो अभी फटाफट से इसकी प्रिपरेशन मुझे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला जो काम होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है ड्राई फ्रूट्स को कट करना। और इसके लिए मार्केट में तो बहुत सारे स्लाइसर वगैरह भी आ गए हैं, बट अभी मेरे पास नहीं आए हैं, तो मैं तो चाकू से इसे कट कर लेती हूँ। तो फटाफट हम इसे कट कर लेते हैं, जैसे भी आप चाहें, लंबा या चौड़ा। और बादाम को कट कर लें इस तरीके से कि अंदर भी आप यूज कर सके और गार्निशिंग में भी आप यूज कर सके। तो मैं लंबे लंबे ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। तो फटाफट से ये प्रिपरेशन हम करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ना, आप अपनी च्वाइस के हिसाब से जो भी चाहें ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं केक का बैटर। तो उसके लिए ना मैंने एक बाउल लिया है, और उसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पिसी हुई चीनी का पाउडर। ग्राम्स में मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे बटर। बटर आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड जो भी हो आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं, बट अनसॉल्टेड यूज करने से ना इस केक का टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लगभग 2.5 टेबल स्पून मैं बटर डाल रही हूँ, पिघला हुआ। बट अगर आप पे बटर ना हो, ऑयल भी आप ना डालना चाहते हो, तो आप इसमें 1/4 कप घर में जो फ्रेश मलाई होती है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट की जो अमूल फ्रेश क्रीम होती है आप वो भी 1/4 कप यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने 1/4 कप ही डाल दिया है पानी, और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। आप इस केक को दूध से भी बना सकते हैं, बट पानी से बनाएंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। दूध से बनाएंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी, और टेस्ट में ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर हम बाकी की चीजें भी ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर मैंने रखी है छन्नी, और उसमें मैं 1 कप भर करके डाल रही हूँ मैदा। आप यहाँ पर फ्रेंड्स मैदे की जगह आटा ले सकते हैं, या आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं। आप कहेंगे कि मैम ने तो बोला है टाइटल में कि मैदा नहीं है और मैदा यूज कर रही है, बट चॉइस आपकी, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। अब टेस्ट इसमें लाने के लिए ना फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई भी स्किम्ड या डेयरी मिल्क पाउडर डालना होगा। तो 3 टेबल स्पून के करीब आपको डालना होगा, आप 4 से 5 भी डाल सकते हैं अच्छे टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम डालेंगे इसको फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से जो बेकिंग सोडा है वो जाएगा 1/2 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। तो मैंने 1/2 टीस्पून वाला ही मेजरमेंट लिया है, इसको मैं 2 बार डाल दूंगी। बट अगर आपके पास फ्रेंड्स ये दोनों चीजें ना हो और आपको ये केक बनाना ही है, तो आप इसमें लगभग 3/4 टेबल स्पून के करीब इनो जो आता है ना बिना फ्लेवर वाला, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीजों को हमने डाल दिया, अब इसे मिक्स करेंगे। शुरुआत में हमने केवल 1/4 कप इसमें पानी डाला था, अब 1/4 कप इसमें और डालेंगे या फिर जरूरत के हिसाब से, ताकि एक थिक सा बैटर हमारा बन जाए। ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल केक का बैटर होता है ना, ड्राई केक्स का जो बैटर होता है उससे थोड़ा गाढ़ा रहता है। मतलब इसमें ना हमें पानी या दूध, जो भी लिक्विड क्वांटिटी है ना, वो नॉर्मल केक के बैटर से थोड़ी कम डालनी होती है, ताकि अच्छे से राइज हो और टेक्सचर इनका अच्छा आए। तो धीरे धीरे करके देखिए, मैंने इसे मिक्स किया है, टेक्सचर आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम कोई फ्लेवर ही नहीं ऐड करने वाले,
तो इलायची जो होती है जिसे कार्डमन कहते हैं वो हर किसी के पास होती है, तो आप उसे चीनी के साथ पीस लीजिए, लगभग हाफ टी स्पून इसमें डाल दीजिए। अब साथ में फ्रेंड्स जाएगा इसमें विनेगर, विनेगर आपको लगभग 1/4 टीस्पून इसमें डालना होगा, और मैंने यहाँ ऑप्शनल फूड जेल कलर डाला है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर कोई वनीला फ्लेवर भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और फ्लेवर का केक बना रहे हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो टोटली चॉइस आपकी है, ये बेस मटेरियल है जिसमें फ्लेवर को चेंज करके आप किसी भी फ्लेवर का टी टाइम केक बना सकते हैं और उस हिसाब से उसकी गार्निशिंग और फिलिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स आपको सभी के सब्स्टिट्यूट बता दिए, ऑयल की जगह आप बटर या मलाई यूज कर सकते हैं और बेकिंग पाउडर सोडा की जगह इनो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैटर हमारा कम्प्लीटली रेडी हो गया है और जितनी भी चीजें मैंने डाली हैं वो सब आई एम श्योर आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। मैंने इसमें कलर डाला है बट टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें अदरवाइज स्किप कर दें। फ्लेवर भी मैंने ऐसा कोई खास नहीं डाला है, आपके पास है अगर इलायची फ्लेवर या कोई ड्राई फ्रूट का मावा फ्लेवर तो वो डालिए, नहीं तो इलायची के पाउडर से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, साथ में 2 बूंद वनीला फ्लेवर की डाल दीजिएगा। तो बैटर कुछ ऐसा रेडी है, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं डाले हैं कि कटिंग में प्रॉब्लम ना दे। अब बारी आती है इनको बेक करने की, तो बेक करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप स्टील का बर्तन हो, एल्यूमिनियम का बर्तन हो, राउंड हो, स्क्वायर हो, जैसी भी शेप में आप चाहें बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हैं आजकल, ये टी टाइम के मोल्ड्स आते हैं जिनको आप आराम से रैप करके दे सकते हैं, इनके ऊपर लिड भी आती है, तो ये सब बॉक्सेस आप आराम से फ्लेवरसम शॉप से मंगवा सकते हैं। बट मैं आज जनरली इसको राउंड शेप में देने वाली हूँ, तो मैं ये 5 इंची का बर्तन यूज कर रही हूँ, क्योंकि आधा केजी केक के लिए ना आपको 6 इंची का बर्तन चाहिए होता है, वहीं अगर आपके पास 5 इंची का बर्तन है ना तो केक पे थोड़ी सी हाइट आ जाएगी और स्लाइस कट करने में आसानी होगी और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हम इसमें क्रीम भी यूज नहीं कर रहे तो हमें अच्छी खासी इसकी हाइट चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन है, और सबसे पहला जो काम है वो है उसके अंदर ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर को सेट करना। तो मैंने यहाँ पहले से ही कट करके रखा हुआ है, ये देखिए इसमें ऑयल बटर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है और इसे आप रीयूज भी कर सकते हैं। तो फटाफट से बैटर को इसमें ट्रांसफर करते हैं और इसको बेक करते हैं। तो ये हमारा बर्तन रेडी हो गया है और सारा ही बैटर हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन की जो है मेरे अच्छी खासी हाइट, और देखिएगा ये पूरा फूल करके रेडी हो जाएगा। तो आप भी अगर अच्छी हाइट वाला केक बनाना चाहते हैं तो बर्तन 1 इंच छोटा लीजिए और थोड़ा सा टॉल लीजिए। तो सारा बैटर देखिए ट्रांसफर कर दिया है, अब इसको डालने के बाद ना थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि कोई एयर बबल वगैरह है तो वो निकल जाए, और फिर टैप करने के बाद ना हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे, या जिस भी फ्लेवर का आप टी टाइम केक बना रहे हो वो डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने तो बर्तन यूज किया, आप टी टाइम मोल्ड अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस करनी है, मतलब जो भी मोल्ड आप यूज करें ऐसी ही प्रोसेस जाएगी। बट हाँ, अगर आप पेपर वाला मोल्ड यूज कर रहे हैं ना तो टेम्परेचर आपको 10 डिग्री कम रखना होगा बजाय इन बर्तनों के, क्योंकि पेपर का मोल्ड जो है नीचे से जल्दी से हीट में गर्म हो जाता है। और इस केक को हर कोई फ्रेंड्स बना सके, अपना काम शुरू कर सके, तो उसके लिए मैं ओटीजी ओवन नहीं बल्कि कढ़ाई में गैस पर इसकी बेकिंग करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास ना अगारो की रॉयल हनी कॉम कढ़ाई है जिसकी कैपेसिटी है 2.25 लीटर की, 24 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है और ये गैस इंडक्शन सब पर चल जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गैस को ऑन करना है एकदम धीमी आंच पर, और इसके अंदर एक मैंने बाउल रख दिया है जिसके ऊपर मैं अपना केक टिन रखूंगी, आप पहले ही उसे प्लेस कर दीजिएगा और ढक करके 5 मिनट उसे प्रीहीट कर लीजिएगा। फिर जब ये प्रीहीट हो जाए तो अपना केक टिन इसमें डाल करके इसी का जो लिड आता है इसके साथ उसको बंद करके आप 30 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स, उससे पहले आपको खोलना भी नहीं है। 30 मिनट के बाद फ्रेंड्स आप जब चेक करेंगे ना तो आपका केक बढ़िया से राइज हुआ होगा, कोई भी ड्राई फ्रूट देखिए सिंक नहीं हुआ है। अगर आप प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करेंगे, प्रॉपर रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। तो हर चीज जैसे मैंने मेजरमेंट में बताई आप वैसे ही कीजिएगा, और आपका भी देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्जी फूला हुआ केक रेडी होगा, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, ना केक सिंक हुआ, ना ड्राई फ्रूट सिंक हुए, कहीं से भी दबा नहीं, ऑयली नहीं है इसका सरफेस, चिपचिपा नहीं है, और स्पॉन्जी तो ये बहुत ही ज्यादा है। और खाने में तो फ्रेंड्स जो मजा आएगा ना वो बस जब आप खाएंगे तभी आएगा, मैं तो बस आपको दिखा ही सकती हूँ। और जब पैक करेंगे ना फ्रेंड्स तब इसके बैक साइड वाले बेकिंग पेपर को हम रिमूव करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट सा टेक्सचर है। चलिए अब इसका वेट करके देखते हैं कि जो हमने आज का मेजरमेंट लिया उसे ये कितने ग्राम से कितने पाउंड का रेडी हुआ। तो मेजरमेंट करने पर फ्रेंड्स ये 441 ग्राम का, यानी कि लगभग 1 पाउंड का ही माना जाएगा, इतना ये रेडी हुआ है। अगर आपको 1 केजी का बनाना है तो मेजरमेंट डबल कर लीजिएगा, या फिर 250 ग्राम का बनाना है तो मेजरमेंट को आधा कर लीजिएगा। तो अब पैक करने की बारी आती है फ्रेंड्स, उसके लिए ना आप मार्केट से इस तरीके की क्लिंग रैप ले लीजिएगा, और सबसे पहले आपको इसके बेकिंग पेपर को रिमूव करना है, इसको लगा करके कभी भी सील नहीं करना है। फिर इस क्लिंग रैप के अंदर इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए इसे रैप करना है। मैं आपको अभी 2-3 तरीके से इसकी पैकिंग करना दिखाऊंगी ताकि और अट्रैक्टिव लगे, बट अगर आप इस ट्रांसपेरेंट क्लिंग रैप को लगाएंगे ना तो केक दिखता भी रहेगा और ये एकदम साफ सुथरा पैक होगा।
आप अगर फॉइल पेपर लेंगे या बेकिंग पेपर लेंगे ना, तो उसमें केक दिखेगा नहीं और उसकी सारी लुक वो खराब कर देगा। तो कोशिश कीजिए इसी तरीके की क्लिंग रैप में ही केक को कवर करके दें, और अगर आप पेपर मोल्ड में दे रहे हैं तो उसका तो लिड आता ही है, उसमें आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो केक हमारा रेडी है, पैक भी हो गया, और इस तरीके से फ्रेंड्स आप डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव से बॉक्सेस में इन्हें पैक कर सकते हैं। कैसे, चलिए ये भी देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर ना फ्रेंड्स, इसकी पैकिंग के लिए मैंने लिया है ये बहुत ही अट्रैक्टिव सा डिजाइनर बॉक्स। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले केक बोर्ड रखना है, उसके ऊपर इस केक को रखना है, और जैसे ही असेंबल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको पैक कर दीजिएगा। जब खुलने वाले से खुलेगा ना, और अंदर से इस तरीके का ड्राई टी टाइम केक निकलेगा, तो बस मुंह से वाओ ही निकलने वाला है। क्योंकि जनरली ना बहुत सारे लोग क्रीम केक्स खाना पसंद नहीं करते, और कोई कहीं जा रहा है मान लीजिए, और एज अ गिफ्ट आप उन्हें ये दे रहे हैं, तो कितना अच्छा उसको लगेगा, कितना अच्छा एक इफेक्ट पड़ेगा। साथ में इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है, तो काफी दिनों तक ये एंजॉय भी करा जा सकता है, और गिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आजकल मिठाइयों में तो इतनी मिलावट है, आप इस तरीके के टी टाइम केक्स बनाइए, स्टेटस पर लगाइए, देखिएगा फेस्टिवल्स पर आपको कितने ऑर्डर्स की बरसात मिलेगी। मेरे पास तो फ्रेंड्स पहले ही प्री बुकिंग हो गई है बेकरीज की तरफ से, बहुत सारे कस्टमर्स ने बुक पहले ही किया हुआ है, मावा केक, ट्राई केक, रसमलाई केक, आप भी ऐसा ही कीजिए। और यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास वैसा बॉक्स ना हो तो इस तरीके के विंडो बॉक्स आजकल हर शॉप पे मिल रहे हैं, आप उसमें भी सेम वैसे ही केक को पैक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स कोई भी बॉक्स में नहीं देना हो, ऐसे ही अपने फ्रेंड को देना है आपसदारी में, तो एक सिंपल सा रिबन भी लगाएंगे ना पिंक रेड कलर का, तो वो भी बहुत ही अच्छी लुक। पैकिंग के मैंने 3-4 ऑप्शन बता दिए, अब आपकी चॉइस है आप कौन सा चूज कर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट केक को आप आराम से 450 ग्राम, मतलब ये जो है वो 1 पाउंड का है, आप 2 पाउंड का अगर सारा मेजरमेंट डबल करेंगे तो बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 250 ग्राम का बनाना है, तो जो मेजरमेंट आज मैंने आपको बताया उसका जस्ट हाफ आप कर दीजिए। अब बारी आती है इसकी प्राइसिंग की। तो फ्रेंड्स देखिए, अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग रेट्स होते हैं, कहीं ड्राई फ्रूट सस्ते हैं, कहीं महंगे हैं, बट ओवरऑल इन इंडिया में आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए ड्राई टी टाइम केक्स का। कोई भी फ्लेवर आप बनाए, चाहे कोई भी गार्निशिंग आप डाल रहे हैं, क्योंकि आप प्लेन भी बनाएंगे तो ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, टूटी फ्रूटी डालेंगे, या चॉकलेट बनाएंगे तो चोको चिप्स डालेंगे, तो ये जो सारा एक्सपेंडिचर होता है प्लस उस पर अपना प्रॉफिट अर्न करके, आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए। 200 ग्राम का केक आप 200 रुपए में सेल कीजिए, 250 ग्राम का केक आप 250 रुपए में सेल कीजिए। जैसे ये है 450 ग्राम का ऑलमोस्ट केक, तो इसके आप 400 से 450 रुपए तक ले सकते हैं। वहीं पर अगर आप 2 पाउंड यानी कि 1 केजी का केक बना रहे हैं, तो उसमें ओवरऑल आप 800 से 850 रुपए तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जब प्राइसिंग में कुछ समझ ना आए, तो जितने ग्राम का केक उतने ही प्राइस आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी पैकिंग प्राइसिंग का खर्चा भी जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मेरा फॉर्मूला है, जो मेरी ट्रिक है, आपको जरूर हेल्प करेगी। और इस तरीके से फ्रेंड्स, मेरा तो ये ऑर्डर पूरा हो गया है, मैं कट करके आज इसको आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि किसी के ऑर्डर का है और उनसे मैंने परमिशन भी नहीं ली है इसके पीस को कट करने की, क्योंकि ये बर्थडे का केक है। जो चीज केक मैंने बनाया था उसकी तो मैंने परमिशन ले ली थी, क्योंकि वो एक बर्थडे का केक नहीं था। तो टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट है, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, स्पॉन्जी भी बहुत है। तो आप जरूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और आज की क्लास, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही अलग अलग नए नए फ्लेवर्स के अगर आप ड्राई टी टाइम केक्स, मफिन्स मुझसे सीखना चाहते हैं, या जार केक्स, कप केक्स, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं बहुत ही बढ़िया सी सीरीज आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे ही कुछ नया और धमाकेदार सा सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।